कह रहा था बस इमोशनल नहीं है बिल्कुल भी, कहते पहले था अब वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। तो थोड़े दिनों लेकिन में सिग्नेचर से दो डॉट हट जाएंगे। मैं और बताता हूँ, जैसे जिस समय दो डॉट लास्ट हो जाता में है ना, सुनो जैसे सुनो जैसे सुनो सुनो सुनो, पॉइंट बता रहा हूँ, याद आ गया मुझे। जिस समय में दो डॉट लगी होंगी ना, उस समय में हो सकता है उसको इमोशन ना आ रहे हो, उस समय में उसकी मदर की हेल्थ खराब होगी। ओके इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके ही आंसू निकलें, उस समय में उसकी मदर भी प्रॉब्लम में हो सकती है। ओके बाकी और चीजें मिल रही थी, शुरुआत बहुत बड़े लेवल पे करता हर चीज, और क्योंकि सिग्नेचर्स 45 डिग्री पे आके बिल्कुल बड़े से शुरू होके एकदम छोटे पे खत्म हो जाते हैं, तो वो हाँ, हर चीज एकदम से आके बिल्कुल बिल्कुल फुस हो सिकुड़ जाती जाती है, है, सिकुड़ सिकुड़ जाती है। जाती है। हाँ, और फिर उसमें इंटरेस्ट एकदम से लो हो जाता है, और गैप बहुत है सारे अल्फाबेट्स में, पर कनेक्टिविटी है पूरी। देखो, गैप्स जब भी होंगे ना, जैसे सविता लिखा SAVITA, हाँ, मीनाक्षी लिखा तो MEENAKSHI, हर लेटर के बीच में गैप है और विजिबल क्लियर गैप है। इसका हाँ, मतलब क्या होता है कि ये आदमी दूसरों की सुनता है, ही गिव स्पेस टू अदर्स। सर अगर गैप में कनेक्टिविटी भी हो प्रॉपर कर्सिव राइटिंग की जैसे, तो नहीं, तब भी वो सेम। कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी अच्छा है, नहीं भी होगी तो भी अच्छा है, कनेक्टिविटी इज नॉट द इश्यू। मतलब इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि लोगों से कनेक्ट रह के उनकी बातें सुनता है। नहीं, नहीं। अगर दोनों दो लेटर्स के बीच में गैप है तो वो आदमी दूसरों को स्पेस देता है कि तुम भी अपनी बात करो, ठीक है। अब देखो, एक आदमी ने क्या किया, बीच में स्पेस भी दिया, ठीक है। स्पेस देने के साथ उसने नीचे अंडरलाइन भी की, हाँ अंडरलाइन करने के बाद उसने लाइन जहां खत्म हुई उसके आगे तीन डॉट भी लगा दिए, तो इक्वेशन ओके क्या बनी, ही अलाउड अलाउज अदर वन टू स्पीक एंड ही लिसन बट ही डोंट उसको एक्सेप्ट। कान में रुई कान में रुई है तो तो क्या करेगा, अच्छा तू बोल ले, बोलिया मन की निकाल ले। बोलिया, अब जाके ये कर। सर जी, हमने क्लास करने से पहले साइन में कुछ होता है, कुछ साइन और आदमी की पर्सनालिटी कुछ मैच करती है ये हमने सोचा था, और वही सोच के हम क्लास ज्वाइन कर लिए। हम तो आपसे पहली बार ज्वाइन हुए हैं, तो ये सीखने के बाद हमको लगा सर कि आप इतना अच्छे से पढ़ाते हैं। पहली बार तो मैं आपकी बात बता देती हूँ, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। बीच बाच में हम लोग जो भी कुछ आपसे पूछ लेते हैं तो उसका जवाब आप ठीक से दे देते हैं, हमारी पूरी जितने भी हमारे क्वेश्चंस है उसका आंसर बहुत अच्छे से आप कर देते हैं, तो थैंक यू। हमको बहुत अच्छा लगा आपसे सीखने में। सीखे ये कि एक साइंस से हमको आदमी की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही वो पता चल गया, उसका फ्यूचर क्या है, उसका पास्ट क्या है, वो क्या सोचता है, उसकी मनस्थिति कैसी है, इतनी सारी चीजें हम एक साइंस से सीख गए, और उसका टेक्निक आपने इतने आसानी से हमको सिखाया, और वो भी मैं तो नोट्स मांग रही थी सर आपसे, पर आपने इतना अच्छा हमारे दिमाग में परमानेंट बिठा दिया, तो अब हम साइन देखते ही विदाउट नोट्स हम लोग पढ़ सकेंगे। सो वेरी थैंक यू सर, एंड हमको आपसे और कुछ बातें सीखने को भी अच्छी लगेंगी सर। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू।